जफर भाई, फिर तो आपको इतना मॉडेस्टली बिहेव नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको क्रेडिट लेना चाहिए। मतलब ये इंडिया गठबंधन, ये जो पूरा गठबंधन है, जो जोड़ी है, बीजेपी ने बना दी। अरे भाई देखिए, जो इलेक्शन में कितने महीने बचे हैं, चंद महीने बचे हैं, ये पिछले उससे ज्यादा कई महीनों से, साल से बात कर रहे गठबंधन की, और अभी तक कोई नतीजे में नहीं पहुंचे। आपको एक कन्वेनर चुनना है, हर बार उम्मीद लगा के नीतीश कुमार जी आते हैं, हाथ में कुछ मिलता ही नहीं, उनको निराश हो जाते हैं। किसको मनाए, किसको बचाए, ये इनकी चिंता रहती है। कभी नीतीश कुमार नाराज है, केजरीवाल छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ऐसी रोज आप बात सुनते हैं। ये नाराज है, वो नाराज है, और ममता जी नाराज है, सब नाराज है, कोई ना कोई नाराज ही है। इनको ही मनाने का काम करते हैं, तब तक दूसरा कोई नाराज हो जाता है। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, इसकी वजह भाजपा नहीं, इसकी वजह इनकी आपस की जो लड़ाई है उसकी है कि आप, इनको लालच है सबको कुछ ना कुछ बनने का। अभी कहाँ से बन सकेंगे भाई, 15 पार्टियां हैं, तो क्या 15 पार्टियां सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक पार्टी के आदमी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री सभी बन जाएंगे, तो कैसे होगा? और देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है। एक तरफ ऐसे गठबंधन को देख के, जो गठबंधन है ठगबंधन की तरह है, कि लोग देश की जनता को ठगना चाहती है, और देश की जनता समझदार है, उन्होंने दिखा दिया है बार बार, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह से राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में, वही फैसला आप देखिएगा आने वाले दिनों में। इधर तो कुछ सीटें मिल गई, लोकल इलेक्शन था, यहाँ पर 100% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और मैं फिर से पूछता हूँ, भाटी साहब से मैं रोक नहीं रहा था, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक सवाल कर रहा था, भाटी साहब क्या अखिलेश बाबू को मना लिया गया है, वहां उनकी टीम कमलनाथ को रिजाइन करके क्या मना लिया गया है? ठीक है, अतुल जी, यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभी सैयद जफर इस्लाम साहब कर रहे थे ना, कि समझिए इस बात को, ये जो चुनाव के नतीजे आए, खासतौर से अभी हिंदी हार्टलैंड में, इससे मोदी की लोकप्रियता पर मोहर लगी है, और मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं। क्या यही वजह है कि इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन में जिन बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और चेहरा, मतलब मुद्दे के साथ साथ चेहरे की बात, तो क्या यही वजह है कि चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोलना चाहता है गठबंधन, क्योंकि उसको मालूम है वो मोदी को टक्कर नहीं दे सकता है? सर, नहीं, मोदी को टक्कर दे नहीं सकता, ये तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मोदी कई बार हारे हैं, मोदी का प्रो इनकम्बेंसी की बात हुई है, प्रो इनकम्बेंसी ने एंटी इनकम्बेंसी अभी बहुत बड़े पैमाने पर है। 450 का सिलेंडर देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में देने की बात करते हैं, वहां तक वही नहीं है। तेलंगाना में हमने जो 6 गारंटी दी थी उसको हमने लागू कर दिया, साइन हो गई, वो इंप्लीमेंट भी होना शुरू हो गया, लेकिन इन्होंने 450 रुपये का क्या हुआ? तो इनके पास ठगबंधन जो है, वो ठगबंधन इसे कहते हैं, लोगों को ठगना इसे कहते हैं कि आपने जो वायदे किए वायदे नहीं किए। अभी OPS भी जो है वो खटाई में पड़ गई है, हमने जहां जहां लागू की थी वहां पर चिरंजीवी योजना भी खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों के सामने है, हमारे सामने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर है, हम OPS की बात करते हैं, है ना, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात करते हैं, और वो करके दिखाया है हमने। इनको तो अभी पेपर लीक की बात करते थे राजस्थान में, इनको 10वीं 12वीं के पेपर नहीं संभलते आए, सरकार में आए हैं, 10वीं 12वीं के पेपर नहीं संभलते आए, 10वीं 12वीं पेपर भी लीक हो गए हैं। तो जनता के सामने हमें जाने का मौका इसलिए है क्योंकि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अब ठगबंधन कैसा होता मैं बताता हूं। इनके पास पहले अकाली दल चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि किसानों के खिलाफ की नीति इन्होंने लगाई। उसके बाद शिवसेना चला गया, शिवसेना क्यों चला गया? क्योंकि ये जिनके बदौलत बड़े हैं राजनीति में, उन्हीं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये शिवसेना का आरोप है, और ये आरोप सामने जो है सामने आया है। फिर AIADMK ये दक्षिण में भी चला गया, दक्षिण में पूरी तरह हार गए वो तो बात और है, लेकिन इनके साथ के AIADMK भी चले गए। अब ठगबंधन का और एक सच्चाई बताता हूं, 25 पार्टियां ऐसी है कि एक इंडिया अलायंस बनते बराबर इन्होंने 38 पार्टियों को लेकर जहां तहां से तेरी पार्टी है क्या, रजिस्टर है क्या, आ जाओ हमारे पार्टी में बैठ जाओ। 25 ऐसे दल है जिसका एक भी सांसद नहीं है, 7 ऐसे दल है जिसके एक की जरूरत ही नहीं है, अपने दम पर उसके पास बहुमत का आंकड़ा है, और आप लोग जो सब एक साथ आ रहे हैं क्योंकि आपको एक दूसरे की जरूरत है, तो आप लोग अपने दम पर नंबर नहीं ला पा रहे, ये भी तो एक सत्य है ना सर, इस पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा चीजों को। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने OPS की बात की, आपने चिरंजीवी योजना की बात की, ऐसे में जाति जनगणना को भी मत भूलिए ना सर, ये तमाम मुद्दे थे, पर बावजूद इसके जनता ने
आप लोगों को नकारा और बीजेपी को चुना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।